एंड रिलेशन बिटवीन दैम रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क ओके तो जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडक्शन मशीन की जो टॉर्क इक्वेशन होती है दैट इज गवन बाय टार्क इज कल टू सिक्सटी अपॉन टू बाई एनएस जिसमें एन एस इंकोस स्पीड है एम नंबर ऑफ फेजेज एस स्लिप है ई टू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर इंटू आर टू जिसमें एक्स टू ज़ीरो रोटर का रिएक्टेंस है एट स्टैंड स्टिल कंडीशन तो यदि आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो सिक्सटी अपॉन टू ओप आई एन एस कॉन्सटेंट है एम नंबर ऑफ फेजेज कॉन्सटेंट है ई टू सप्लाई वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के प्रपोर्सनल जो रोटर में वोल्टेज डेवलप हो रही है वो है तो यदि हमारी सप्लाई वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो उससे जो फ्लक्स डेवलप होगा वो भी कॉन्स्टेंट होगा और इस टर्म को हम कॉन्स्टेंट इसलिए इसको ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो टॉर्क आएगा द टॉर्क विल बी गिवन बाय के एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर एंड एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन फॉर द इंडक्शन मशीन अब स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें जब मोटर स्टार्टिंग की स्टार्ट कर रही है इसका मतलब उसने घूमना शुरू नहीं किया है तो जो रोटर की स्पीड है वो शून्य होगी और रोटर की स्पीड शून्य होगी तो स्लिप जैसा कि आप जानते हैं एन एस माइनस एन आर होती है तो स्लिप का मान होगा वन तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान एस की जगह आप वन पुट करेंगे जैसे आप वन पुट करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा के आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर तो दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन मशीन and the torque available at shaft is known as shaft torque. Okay, ये starting torque है अब starting torque machine का starting torque आप जो full load torque है यानी कि जो maximum torque induction machine develop कर सकती है आप उसको किसी भी slip पर प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको full load torque जो machine का maximum torque है वो आपको starting में प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस equation को आर टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसको इक्वेट टू जीरो करना पड़ेगा जिससे हम इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं यदि हमें स्टार्टिंग टॉप मैक्सिमम चाहिए तो हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा तो मैक्सिमा uh, मिनिमा के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस सिचुएशन को मैं आर टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैंने इस कंपोनेंट को रखा इसका डिफ्रेंशिएशन किया आर टू के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा वन अब मैं ये वाला कंपोनेंट रखूंगा के आर टू इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो

एंड तो yeah, इसका जो ये कंपोनेंट है आर टू स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर ये ज़ीरो होगा और ये जीरो होगा तो आप देख सकते हैं कि एक्स टू स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इजक्ल टू शून्य यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू जीरो इजक्ल टू आर टू इट मीन्स रोटर का रजिस्टेंस ये टी रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के के बराबर हो तो हम मैक्सिमम टॉर्क को स्टार्टिंग में भी प्राप्त कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपटीशन के हिसाब से यदि आपको मोटर के स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो आपको रोटर के रेजिस्टेंस का मान रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के मान के बराबर रखना होगा यदि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क किसी पर्टिकुलर स्लिप पर स्लिप पर हो तो इसके लिए आपको फिर रोटर के रिएक्टेंस को स्लिप से मल्टीप्लाई करेगा इट मीन्स मैक्सिमम कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क एक्ट स्टार्टिंग की कंडीशन हो गई आर टू इजकअल टू एक्स टू जीरो एंड मैक्सिमम टॉर्क एट एनी स्लिप की कंडीशन हो गई आर टू इज टू एस एक्स टू जीरो आपको स्लिप से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मशीन मैक्सिमम टॉर्क कितना उसका मैक्सिमम टॉर्क का मान क्या होगा हमें अभी अभी हमने एक्सप्रेशन से निकाला है कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन के लिए रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के स्टैंड स्टाइल रिएक्टेंस के मान के बराबर होना चाहिए तो आर टू मीन्स आर टू इजक्वल टू एक्स टू जीरो हम इस फॉर्मूले में जो मैक्सिमम टॉर्क है इसमें आर की जगह एक्स टू जीरो रखेंगे तो के आर टू की जगह एक्स टू जीरो अपॉन आर टू जगह एक्स टू जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स टू जीरो स्क्वायर तो आप देखेंगे ये टू एक्स टू जीरो स्क्वायर हो गया एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आएगा टॉर्क मैक्सिमम इजकअल टू के अपॉन टू एक्स टू जीरो यानी कि मशीन का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको समझना चाहिए कि मशीन का मैक्सिमम टॉर्क रोटर के रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता तो रोटर का रेजिस्टेंस उसको आप यदि आप रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो आप स्लिप चेंज करके आप मोटर का टॉर्क चेंज कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो होगा मैक्सिमम टॉर्क होगा वो रिएक्टेंस पर ही डिपेंड करेगा अब एक रिलेशन निकालते हैं रिलेशन बिटवीन द फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क यानी मशीन जो टॉर्क डेवलप कर रही है और जो मैक्सिमम टॉर्क है उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा तो इक्वेशन फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मशीन का जो टॉर्क होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप फ्रीकेंसी आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू जीरो स्क्वायर ये किसी स्लिप एस एफ पर टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर थ्री के अपॉन एस एक्स टू जीरो पर आपने मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में निकाला यदि आप स्लिप पे किसी पर्टिकुलर स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आपको स्लिप के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप देखिए कि यहां पर स्लिप नहीं है जबकि इसमें स्लिप है ये मैक्सिमम टॉर्क इस पर्टिकुलर स्लिप एस पर है तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कि एस एफ आर टू अपॉन आर टू एस एफ स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर इंटू ये उल्टा हो जाएगा ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा ट्वाइस ऑफ एस एफ एक्स टू जीरो अपॉन के तो जो के यहां पे आ गया है जो ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ एस एफ आर टू एंड एक्स टू जीरो एक्स टू जीरो अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एफ एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर डिवाइड एंड न्यूमिनेटर एंड बाय एक्स टू जीरो स्क्वायर से यदि आप डिवाइड कर दें तो ये एक्स टू जीरो से डिवाइड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एस एफ आर टू एक्स टू जीरो को आपने डिवाइड किया है एक्स टू जीरो स्क्वायर से तो एक्स टू जीरो से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर टू अपॉन एक्स टू जीरो का स्क्वायर

एस एफ स्क्वायर दिस इज द रेशियो फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क इसी प्रकार से आप स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में संबंध स्थापित कर सकते हैं आपने स्टार्टिंग टॉर्क के लिए अभी डेरिवेशन निकाला था कि स्टार्टिंग टॉर्क एस टी इज टू के अपॉन आर टू स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर या के कॉन्स्टेंट है तो प्रपोशनल हो गया आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो स्क्वायर और जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर के रिएक्टेस पर प्रोपोर्शनल होता है तो 0, तो ऑफ रेशियो निकालना है तो आप इस इक्वेशन इस को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए दिस दिस इज इज योर योर इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर एंड तो टी एस टी अपॉन टी मैक्सिमम का मान हो जाएगा के आर टू अपन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो स्क्वायर और ये वैल्यू पुट करेंगे तो वन पॉइंट ट्वेस ऑफ एक्स टू जीरो स्क्वायर सिंपल मैथमेटिक्स से ग्वे आप निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर जिसमें ए इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू यदि एक है थैंक यू